और एक मोर था, दोनों मित्र थे। एक दिन दोनों ने गोट करने की सोची। सियार ने मोर से कहा कि तू मूंग और चावल ले आ, मैं जंगल से छाने बीन लाऊंगा। दोनों ने ऐसे ही किया और दोनों ने सामान एक जगह इकट्ठा करके और दाल और बाटी बनाई। जब दाल और बाटी बन के तैयार हो गई तो सियार को, हमारे ढूंढाड़ी भाषा कहते हैं भाई, हड़क्या उसू जाए, हमारे मतलब बहुत ज़ोरदार भूख लगी उसको। तो उसने कहा भाई मोर, भाई ऐसा कर, हम दोनों एक साथ तो बैठ के खा नहीं सकते, एक व्यक्ति खाएगा एक परोसेगा, तो पहले मैं खा लेता हूँ और तू बाद में खाना। तो मोर एकदम सीधा था, उसने वो बात मान ली और सियार भोजन करने बैठ गया। मोर उसको परोसने लगा, सियार ने सारा भोजन कर लिया, मोर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। सियार ने फिर कहा कि मोर और ला, तो मोर ने कहा तो कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या लाऊं, कि नहीं मेरे को तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मैं तो तेरे को खाऊंगा। मोर ने कहा तू मेरे को क्यों खाएगा, तू तो मेरा मित्र है, कि नहीं मैं तेरे खाऊंगा। और ये कहकर और सियार मोर को खा गया और वहाँ से आगे चला गया। वहाँ से जो थोड़ी दूर वो नीचे शहर की तरफ गया, खेत आए तो खेत में एक महिला झाड़े खोद रही थी, घास खोद रही थी। उसने उसको सारी बात बताई। अब वो कैसे बताए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डोकरी मरमोले से मोर खा गयो, ढेर सारी बाटा खा गयो, दुकड़े भर दाल भी गयो, मैं तन भी खाऊँ। डोकरी ने कहा तू मेरे को कैसे खाएगा, कि नहीं मैं तन खाऊँगा। और ये कह के वो डोकरी को भी खा गया। फिर वो आगे गया, आगे जाने के बाद उसे जंगल में एक ग्वाला मिला, वो अकेला ही था। उससे जाके उसने सारी कहानी सुनाई कि भाई दुकड़े पर दाल पी गयो, ढेर सारी बाटा खा गयो, मरमोलो से मोर खा गयो, जाड़ा को ती डोकरी खा गयो, ग्वालिया तने भी खाऊं लो। भाई तू मेरे को क्यों खाएगा, कि मैं खाऊंगा, मेरे को भूख लग रही है। और ये कहकर उस ग्वाल को भी खा गया। आगे जाने के बाद उसको बहुत ज़ोरदार प्यास लगी और एक बहुत बड़ा पानी का गड्ढा था, उसको सारा पानी पी गया और वो इतना पेट इतना भारी हो गया कि उसे चला नहीं गया और वहीं पे वो लेट गया। शाम जब शाम पड़ी तो जो चरवाहे थे, जो अपनी बकरियां चराने जाते थे, पशु चराने जाते थे, वो वापस लौट के आए और उसी खड्डे में वो पानी पिलाते थे। तो उन्होंने देखा कि आज खड्डे में पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो उन्होंने देखा भाई पानी कहाँ गया, तो देखा कि एक सियार जिसका पेट बहुत फूला हुआ है और ये सारा पानी ये पी गया। तो उन्होंने उनके हाथ में जो लकड़ियाँ थी उससे सियार के पेट ही पेट में आ गई, उसका पेट फूट गया और सब निकल निकल के भाग गए।